नमस्ते, मैं आपका दोस्त शरद अमकंडीकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है गोविंद टेक्नो गुरु जी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस 3 पॉइंट डिजिटल बोर माइक्रोमीटर के बारे में इन डिटेल से बताने वाला हूं। इसलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिना स्किप किए कम्प्लीटली वॉच कीजिए। तो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए मेरे चैनल गोविंद टेक्नो गुरु जी को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी इस डिजिटल बोर माइक्रोमीटर के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इस डिजिटल बोर माइक्रोमीटर से हम डाया 20 mm से लेकर डाया 50 mm तक किसी भी बोर डायामीटर को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, वो भी 5 माइक्रोन की एक्यूरेसी में। सो इसलिए ये डिजिटल बोर माइक्रोमीटर रिप्लेसमेंट बन जाता है बोर डायल गेज का, क्योंकि किसी भी बोर डायामीटर को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका हैंडलिंग प्रोसीजर भी बहुत आसान है। सो आप जानते हैं इसके बेसिक पार्ट्स के बारे में। सो पहला है ये मेजरिंग एनविल्स, ऐसे 3 एनविल्स होते हैं आप देख सकते हैं। और दूसरा पार्ट है इंटरचेंजेबल मेजरिंग हेड, आप इस इंटरचेंजेबल हेड मेजरिंग हेड को रिप्लेस करके किसी भी बोर डायमीटर को 20 से लेके 50 mm तक मेजर कर सकते हैं। सो इसे कहते हैं हम आउटर स्लीव, ये है थिम्बल और इसे हम कहते हैं रैचेट, ये है LCD यूनिट और यहाँ से लेके यहाँ तक इस टोटल पार्ट को हम कहते हैं माइक्रोमीटर हेड। सो ये हो गया इसका बेसिक पार्ट्स के बारे में। अब जानते हैं इसका सेटअप प्रोसेस के बारे में। तो अब हम जानते हैं इसके सेटअप प्रोसेस के बारे में, किस तरह हम इसे सेटअप कर सकते हैं। सो पहले इस कवर को रिमूव कीजिए, बाद में इसे आप सेल इंसर्ट कीजिए यहाँ पे, उसके बाद इस कवर को फिट कीजिए और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे टाइट भी कर दीजिए। तो इस तरह इसे टाइट कर देना। सो इसे हम टाइट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसे डॉट्स जैसे ब्लिंक कर रहे हैं, ये ऐसे ब्लिंक करते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बटन है, एक है प्रीसेट, 0 और एब्सोल्यूट एंड होल्ड। सो इस ब्लिंक को स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो इस प्रीसेट बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। सो ये हो गया इसके सेटअप प्रोसेस के बारे में। अब हम जानते हैं कैलिब्रेशन प्रोसेस के बारे में। डिजिटल बोर माइक्रोमीटर के साथ हमें 2 सेटिंग रिंग गेज दिया गया है फॉर कैलिब्रेशन पर्पस। मतलब डिजिटल बोर माइक्रोमीटर को हमें पहले कैलिब्रेट किया करना चाहिए, फिर बाद में उसे बोर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करना चाहिए। इसलिए हमें यहाँ पे 2 सेटिंग रिंग गेज दिया गया है। इसका पहले का साइज़ है 24.99 mm और दूसरे का साइज़ है 39.99 mm। इसे हम P1 कहते हैं और इसे P2 कहते हैं। तो अब हम इस सेटिंग रिंग गेज के मदद से इस डिजिटल बोर माइक्रोमीटर का कैलिब्रेशन करेंगे। इस सेटिंग रिंग गेज का साइज़ है 39.999 mm। सो इसे हम इस डिजिटल बोर माइक्रोमीटर में कैलिब्रेट करेंगे। किस तरह करेंगे आप देखिए ध्यान से। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप किए कम्प्लीटली वॉच कीजिए। सो पहले इस बोर माइक्रोमीटर को, डिजिटल बोर माइक्रोमीटर को इस रिंग गेज के बोर में एंटर कीजिए, फिर थिम्बल को रोटेट कीजिए जब तक ये इस बोर में कॉन्टैक्ट ना हो जाए। सो बाद में इस रैचेट को ऐसे घुमाइए, इस रैचेट को ऐसे घुमाइए। सो आप सुन सकते हैं रैचेट का साउंड, 4 से 6 बार ऐसे रोटेट कीजिए। रिंग गेज का वैल्यू को यहाँ पे P2 पे सेव करना है। किस तरह हम इस वैल्यू को एंटर करेंगे आप इसे ध्यान से देखिए। हमें इस प्रीसेट बटन को प्रेस करके रखना है जब तक ये ब्लिंकिंग नंबर शिफ्ट होके ब्लिंक होना चाहिए। सो यहाँ पे आ गया है, अब हम इसे वैल्यू को एंटर करेंगे। सो 1, 2, 3, अब हम इससे शिफ्ट करेंगे, इसे प्रेस करेंगे। सो ये दूसरे नंबर पे शिफ्ट हो गया। अब वैल्यू एंटर करेंगे 5, 6, 7, 8, 9। सो अब हम इसे फिर से प्रेस करके रखेंगे ताकि दूसरा नंबर ब्लिंक हो, फिर वैल्यू एंटर करेंगे 8, 9। सो अब हम फिर से प्रेस करेंगे तो दूसरा नंबर ब्लिंक होगा, फिर से वैल्यू एंटर कीजिए। सो इसका वैल्यू हमें 39.99 एंटर करना है। सो इसे आप अच्छी तरह से जान लीजिए किस तरह हम वैल्यू को एंटर करेंगे और अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो अब हमने इस
कैलिब्रेशन रिंग का वैल्यू यहाँ पे एंटर कर दिया है, आप देख सकते हैं 39.999 और P2 का वैल्यू भी ब्लिंक हो रहा है, यानी ये जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ये इस माइक्रोमीटर के मेमोरी में P2 की वैल्यू से स्टोर होगा। सो इसे प्रीसेट एक बार दबाइए। सो ये हो गया। अभी मैंने आपको इस सेटिंग रिंग गेज से किस तरह हम इस मीटर का कैलिब्रेशन करते हैं डिटेल से बताया, इसी तरह हम इस सेटिंग रिंग गेज से 4 माइक्रोमीटर का इसका करते हैं कैलिब्रेशन करते हैं और इस वैल्यू को P1 से सेट करते हैं। सो आप जानते हैं इस मदद से कैलिब्रेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल से जाना। अब हम इस डिजिटल बोर माइक्रोमीटर से इस वर्कपीस का बोर डायमीटर चेक करते हैं। तो चलिए पहले इस बोर माइक्रोमीटर को इस बोर में इंसर्ट कीजिए, फिर बाद में इसे रोटेट कीजिए जब तक ये बोर के कांटेक्ट में आ जाए। सो आप देख सकते हैं रैचेट का रिंग, इसे आप 4 से 6 बार ऐसे घुमाइए। तो हम इसे होल्ड बटन को प्रेस करेंगे और बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने रैचेट घुमा रहा हूँ फिर भी रीडिंग स्टेबल है, यानी रीडिंग लॉक हो गया। तो इसका रीडिंग है 40.073 mm। सो इसी बोर डायमीटर का और एक रीडिंग लेते हैं। तो इस होल्ड को रिलीज करते हैं, फिर से एंटर करते हैं और इसे मूव करते हैं थिंबल को, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये रीडिंग हो गया। तो रीडिंग ले लिया हमने। सो अब इसे होल्ड करेंगे और इस रैचेट सो इसे वापस घुमाएंगे। यहाँ पे देखिए रीडिंग लॉक हो गया, इसका रीडिंग है 40.074 mm। तो दोस्तों इस तरह हम इस बोर इस डिजिटल बोर माइक्रोमीटर से हम इस बोर डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। तो अब एक अमेजिंग फैक्ट इस डिजिटल बोर माइक्रोमीटर के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे छोटे लेंथ वर्कपीस के लिए आप इजीली मेजर कर सकते हैं। आप समझिए एक 200 mm का बोर मेजर करना है डीप या 300 mm का मेजर करना है, उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन रॉड दिया जाता है, इसे हमें फिट करना पड़ेगा इस माइक्रोमीटर हेड और इस मेजरिंग हेड के बीच में, और इसे हम डीप बोर चेक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 100 mm, 200, 300 ऐसे रेंज के डीप बोर को मेजर करने के लिए हम इस बोर गेज इस डिजिटल बोर माइक्रोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। सो कैसा लगा अमेजिंग फैक्ट? सो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल गोविंद टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। सो मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।